आप सभी क्या सोच रहे थे कि आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम है वो अप्रैल में जाएगा मई में जाएगा, लेकिन यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत ही जो नींव जाई उसमें बताया गया कि आपको 24 मार्च से आपका एग्जाम है। आप देखेंगे दोस्तों यह वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स अब अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हो गए हैं एकदम बिल्कुल ही, अब वो चाहते हैं कि हाँ हम भी 10 से 15 दिन में पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे से 95% या फिर 90% 95 हम नहीं मानते हैं, हम 90% लेकर चलते हैं, इतने आराम से स्कोर कर लें। तो देखिए ये बहुत हार्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप कैसे पढ़ाई कहेंगे कैसे नहीं, सारी चीजें वन टू वन एकदम एग्जैक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं आपके साथ। यहां पर वही चीजें मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं कि आप जो है अपनी तैयारी कैसे करेंगे, 10 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या आपको अपनानी पड़ेगी। तो आइए एक एक चीजें विधिवत आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए 24 मार्च से आपका पेपर है। जी हाँ दोस्तों 24 मार्च से आपका पेपर है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सिलेबस है चाहे आप देखिए पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं क्लास टेंथ वालों के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब चाहे वो आपका हो गया हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो जो गणित है आपका, फिर चाहे साइंस चाहे SST मतलब सोशल साइंस हो और चाहे आपका आर्ट या संस्कृत हो। अब ध्यान दीजिएगा सारे सब्जेक्ट के नंबर आपके 70-70 नंबर चलाएंगे, टोटली मिला के 30 नंबर देखें तो 100 नंबर का हिंदी है, तो 100 नंबर का इंग्लिश भी है और 100 नंबर का मैथ भी है, 100 नंबर का साइंस भी और 100 नंबर का SST, 100 नंबर का आर्ट ही। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कम नंबर का है, ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर का, इसलिए इस पर हम कम ध्यान दें, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको किसी पर कम ध्यान देना है किसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मैथ को नहीं दे रहे हैं आप इंपॉर्टेंस तो हिंदी को भी, क्योंकि हिंदी भी आपका 100 नंबर लेकर आएगा, हिंदी भी आपका 100 नंबर लेकर आएगा और टोटली आपका 600 नंबर का बनता है। तो देखिए 600 नंबर में आप आराम से 500 नंबर स्कोर कर पाएंगे जिस स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूं, फिर 545 नंबर आप आराम से स्कोर करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से आपको करना है, अब आप ध्यान दीजिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं और उसमें देखिए सिलेबस होता है आपका, हो गया हिंदी का सिलेबस, हो गया इंग्लिश का सिलेबस, सभी भी सिलेबस होता है। अब अगर जो टाइम बचा है, टाइम आपके पास बहुत ही कम है, तो जो भी कम टाइम है उसमें आप सोचे कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस को आप अगर कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ आप 100% लिख देता हूं कि 10 दिन में आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते यार। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब जो भी आपके पास टाइम बचा है, आप देखिए जो भी आपके पास टाइम बचा है उसको टाइम देखिए और टाइम के हिसाब से आप क्या करिए, अब बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, देखिए आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, जो क्वेश्चन ज्यादा बार आया वही पढ़िए, मॉडल पेपर आपको हल करना। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार आया हुआ क्वेश्चन, बार बार आया क्वेश्चन, बार बार जो आया क्वेश्चन है, जो आया प्रश्न है उसको पढ़िए। और देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखिए, इसी वजह से देखिए 2012 में आया, फिर 14 में आया, फिर 16 में आया, फिर 17, फिर उसके बाद 19, 20, 21 इतनी बार आया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 22 में भी आने के चांसेस, ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढिए आप पढ़िए। अभी आप कहेंगे कि ये सब चीजें क्वेश्चन हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसको भी बताता हूँ एक रास्ता जहाँ से आप बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बार बार आया हुआ क्वेश्चन पढ़ना है और आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर आपको हल करना है, आपको मॉडल पेपर हल करना है। किस प्रकार से देखिए मॉडल पेपर हल करेंगे वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें आपको है यूज करनी है और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए ये सारी चीजें आपको पता कैसे लगेंगी, तो ये जो चैनल है मोबाइल पर स्कूल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर स्कूल, इस पर मैं अभी जितने भी वीडियो लाऊंगा उन सभी में अब सिर्फ वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि इतनी बार ये सन में आए हुए हैं। अब देखिए ये सन में आए हुए अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, आपका इसी में से आराम से 90% के क्वेश्चन फंस जाएंगे जिनसे आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए मैं आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, दिन में आपको बहुत सारी वीडियो देखेंगे, 4-5+ वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए आपका मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, अब देखिए मॉडल पेपर के हिसाब से सॉल्व होंगे वो भी मैं आपको
बता दूंगा आगे वीडियोस में। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, अभी मैं आपके लिए कुछ टिप्स दूंगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, जो बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको आता रहता है लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में कम नंबर पाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अब देखिए वो नहीं पाएंगे कम, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, वो सारे मैं आपको टिप्स भी दूंगा इसी चैनल पर दूंगा। और देखिए आप चाहे तो टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा देखेंगे। और अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ये सारी चीजें आपको सॉल्व कराई जाए और 90 प्लस आपका एम है लाना, अभी तक आप तैयारी नहीं की लेकिन अब आप करके तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम आप सही वीडियो पे हैं। आप लोग क्या करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोबाइल पर स्कूल जो यही चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। और देखिए मैंने जितने वीडियोज बनाई हुई है आप जाकर देखिए, मैं अभी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों और हाँ वीडियो को शेयर करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर करिए, अब बहुत टाइम आपके पास नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम है, तो कम टाइम में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ पढ़ाई में अपनी लग जाइए, मैं भी एकदम लग चुका हूँ आपके लिए जी जान से, तो आपको भी पढ़ाई में लग जाना। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको और किसी नेक्स्ट वीडियो में।